भद्रा ग्रुप के बारे में जो आर्टिकल छपा है उसमें मल्होत्रा इंडस्ट्री पर लगाए गए सारे इल्जाम सरासर बेबुनियाद सफेद झूठ हैं। जी नहीं, इतना ही काफी नहीं होगा। स्टेप नंबर टू, एक पार्टी ऑर्गेनाइज कीजिए जिसमें प्रेस के नामी गनामी लोगों को आप बुलाएंगे, उन्हें अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छी शराब पिलवाएंगे और फिर उनसे कहेंगे कि उनके आर्टिकल्स के द्वारा वो पिछले वाले आर्टिकल को पूरी तरह झुंझला दें, झूठा साबित करें। ठीक समझाया आपने मिस्टर दवे, मैं रिश्वत देने की ही बात कर रहा हूं। खरीद लीजिए उन प्रेस वालों को और उनसे कहिए कि पिछले आर्टिकल छपवाने वालों को पूरी तरह बर्बाद कर दे, क्योंकि वो लोग मेरे जातीय दुश्मन हैं। जी हां, मैं शाम को फिर से एक बार आपसे बात करूंगा। कम इन। लीजिए, शैतान को याद कीजिए और शैतान खुद हाजिर। अपने कर्म याद कर लेते ऋषभ तो तुम्हें किसी और शैतान को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। गायत्री, अपनी जबान को लगाम दो। पहले अपनी जबान साफ करो, फिर किसी दूसरे की जबान पर लगाम रखने की बात करो। क्यों, तुम्हारे साथ और किस तरह बात करो? पढ़ा मैंने तुम्हारा वो आर्टिकल जो तुमने करण के पापों पर पर्दा डालने के लिए छापा है। मिस गायत्री मल्होत्रा, तुम तो केशव मल्होत्रा की औलाद हो ना? मतलब तुम्हारे अंदर भी मल्होत्रा का खून है। फिर मल्होत्रा इंडस्ट्री के सबसे बड़े गद्दार करण सिंह की पैरवी करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? वफादारी किस चिड़िया का नाम है तुम्हें शायद पता ही नहीं है। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई तुम? बोलती क्यों बंद हो गई? मैं तुम्हें सुन रही हूं ऋषभ, और तुम्हें जितना ज्यादा सुनती हूँ मुझे लगता है मेरी पहली नफरत बहुत कम थी। तुम इससे कहीं ज्यादा नफरत के लायक हो। गायत्री, शर्म और वफादारी की बातें तुम्हारे मुंह से ऐसी लगती हैं जैसे कोई कसाई वेजिटेरियन फूड के फायदे गिन रहा हो, एक हैवान इंसानियत की बात कर रहा है। तमीज की हद में रहो वरना। तुमसे इतनी ज्यादा बदतमीजी करने को दिल कर रहा है कि मेधा ने तुमसे पैसों की मदद मांगी। रूबी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। दिल्ली जाने के बजाय तुमने मेधा से कहा कि वो यहाँ आए, तुमसे यहाँ से पैसे लेकर जाए। एक मिनट, क्या कहा तुमने? रूबी अस्पताल में? आज मैं जिससे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ ऋषभ, वो तुम हो। और तुम करण की बात करते हो, तुम्हारा सबसे बड़ा गद्दार ऋषभ खुद तुम हो। लेकिन गायत्री, मैं तो कुछ, गायत्री मेरी बात सुनो, मुझे विकास, पैसों का इंतजाम हो गया, रात तक पहुंच जाएंगे। कुछ दवाइयां और रुपए मैं डॉक्टर को दे चुका हूं। मेधा, क्या कहता है डॉक्टर, रूबी की तबीयत में कुछ सुधार हुआ? हाँ मेधा, तुम ऋषभ से बात करने गई थी, क्या हुआ, आ रहा है ना वो? ऋषभ? कौन ऋषभ? मेधा, जो ऐसे वक्त में मेरे साथ नहीं हो सकता वो मेरा अपना कैसे हो सकता है? सब मत कहो मेधा, जरूर उसकी कोई मजबूरी हुई। हाँ। वरना उसकी मजबूरी है, उसका टेम्परामेंट, उसका अखड़पन। हम जिंदगी में ये सब बर्दाश्त कर पाते हैं मैं विकास, लेकिन इस वक्त कहता है कि मैं वहां जाकर पैसे कलेक्ट करूं, वो यहां आकर नहीं दे सकता। और मैं वहां जाकर क्या कलेक्ट करने वाली हूं मैं जानती हूं। मेधा, अभी उसके बारे में नहीं सोचते हैं, बाद में ठंडे दिमाग से सोचेंगे। मुझे उसके बारे में जिंदगी भर नहीं सोचना है। ऐसा मत कहो मेधा। मिसेज रूबी के पति कहाँ हैं? वो नीचे कैंटीन तक गए हैं। क्यों? उनसे कहिएगा कि सारे रिश्तेदारों को इन्फॉर्म करना शुरू कर दें, हम मिसेज रूबी को नहीं बचा पाएंगे। वो अब चंद लम्हों की मेहमान है। क्या कहा आपने? मैं सारे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगी डॉक्टर। इन्हें समझो विकास के रूबी के अलावा मेरा दुनिया में और कोई नहीं है। डॉक्टर, ये आप कैसे कह सकते हैं? इस तरह में मरते हैं क्या? समझो, तुम जानते हो कि उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। She can't die like this. She can't die. I want him. नहीं गायत्री, मैं फिर भी नहीं मानता हूं।
मैं अक्सर ऋषभ से नाराज रहता हूं, बल्कि उसके बिहेवियर पर मुझे एतराज भी है। आई डोंट लाइक इट व्हेन ही इज इन अ टेंपर, लेकिन ऐसे हालातों में वो अपनों के साथ इस तरह का बर्ताव करे, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं अंकल, ऋषभ ने ऐसा ही किया है। रूबी हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में पड़ी हुई है और मेधा ने उससे पैसों की मदद मांगी तो उसने निहायत बदतमीजी से मना कर दिया। लेकिन गायत्री अंकल, शुरू में मैं भी यही समझती थी कि अगर ऋषभ की कोई खामी है तो वो है उसका टेम्पर, उसका गुस्सा। लेकिन अब जाके मुझे पता चला कि वो निहायत खुदगर्ज और सेल्फिश इंसान है। आई एम सॉरी बेटे, लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं होता। ऋषभ कैन नॉट डू समथिंग लाइक दिस। बेटा तुम उसे चंद महीनों से जानती हो, लेकिन मैं, मेरे सामने वो बड़ा हुआ पला है। उसके अपनों को उसकी जरूरत हो और वो इस तरह का बर्ताव करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो किसी से मुंह नहीं फेरेगा। अब आप यकीन करने को तैयार ही नहीं है तो आई विल नॉट बिलीव इट। प्लीज डोंट ट्राई एंड कन्विंस मी ऑन दिस इश्यू एटलीस्ट। तुम ये चेक लेकर सीधा दिल्ली चली जाओ, मैं अपने बैंकर से बात कर लूंगा। और हां, मैं तुम्हें, मेरा मतलब है रूबी या मेधा को, पैसे की वजह से कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। अंकल मुझे आपसे इतनी मदद की उम्मीद ही नहीं थी। थैंक यू। बेटा कभी कभी इंसान जो दिखता है वैसा होता नहीं, जैसे कि ऋषभ। तुम जैसा पत्थर दिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, वहां मेरा बेचारे। प्लीज प्लीज आप पहले मेरी बात तो सुनिए चाचा जी, वहां दिल्ली में क्या क्या चल रहा है मुझे इस बात का इल्म भी नहीं था। और उस दिन जब मेधा का फोन आया था मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, टेलीफोन लाइन में डिस्टर्बेंस थी। चाचा जी रूबी की हालत के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। झूठ बोल रहा है ये सच है, ये बिल्कुल सच है चाचा जी। और वैसे भी तुम्हारे सामने सच साबित करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इस वक्त मेधा को मेरी जरूरत होगी। और चाचा जी मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने आया था कि मैं अभी इसी वक्त दिल्ली जा रहा हूं।